सब्सक्राइब कीजिए कुमार टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आप चाहे तो इसको मोबाइल से भी ब्लैंक कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे ईजीएस्ट वे जो है ये मैं कंप्यूटर में आपको करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो मैं उसका भी बता दूंगा कि आप इसे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं ब्लैंक, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहता है अगर मूव नहीं कर रहा हो कोई शॉट, अगर मूव नहीं कर रहा हो कैमरा उसमें, तो आप उसमें मोबाइल से ब्लैंक कर सकते हैं। लेकिन मूवेबल शॉट में अगर उसको ब्लैंक करना है तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर इफेक्ट की, क्योंकि ये रहा, मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने की बात है, अगर आपको नहीं पता आफ्टर इफेक्ट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं फ्री में, तो ऊपर दिए गए आई वाले बटन पर क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा जिससे आप सीख पाएंगे किस तरह से आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल करते हैं। और आफ्टर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए उसके भी लिंक मिल जाएंगे उसके अंदर, आप उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आफ्टर इफेक्ट आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। तो सिर्फ मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कीजिए और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए, ठीक है। बिना एंड तक देखे कोई भी जजमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये वाला क्लिप होना चाहिए, मुना भाई का ओल्ड वाला क्लिप। तो जैसे कि मैंने ये लिया है, सपोज मैंने ये वाला लिया है, मैंने ड्रैग करके यहाँ पर इसे छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर इस वाला आइकन पे छोड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया है वीडियो। तो ये रहा वीडियो। तो इसमें आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स पहले लेने हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर से ड्रैग करके ठीक इस पॉइंट पे एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जब यहाँ पर संजय जी का हाथ डाउन होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ठीक इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो वो लेने के लिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मोबाइल पे भी काइन मास्टर की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा किस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे कर्सर को, मतलब करंट टाइमलाइन इंडिकेटर को रख के सिर्फ यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ कंपोजिशन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सेव फ्रेम एज पूछ रहा है, आप इसको फाइल पे क्लिक कीजिए। तो ये आ गया फाइल, यहाँ पर करेंट सेटिंग आप देख सकते हैं, इसको आपको रखना है फ्रेम रेट 30, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटोशॉप ये जो आउटपुट मॉड्यूल है यहाँ पर क्लिक कर, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा ये वाला, और आप यहाँ पर सबसे पहले चूज़ कीजिए इस पे क्लिक कीजिए और जेपीजी सीक्वेंस सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप डेस्टिनेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। फिर रेंडर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको रेंडर बटन दिख रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेंडर फिनिश हो गया है। अभी मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या हुआ है, और इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ। तो मेरे पास ये आ चुका है एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट को आप फोटोशॉप से हो या फिर मोबाइल फ़ोन से हो, आप इसको क्लीनली कट कर लीजिए। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए यहाँ तक, तो इसको आपको क्लीनली कट करना होगा। जैसे कि मैंने क्लीनली कट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसी को आप पहले क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्लीनली कट आउट कर ले। यहाँ पर आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ इरेज करके, आप चाहें तो कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसे मोबाइल पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्सर प्रो ओपन करेंगे, गेट अ पिक्चर करेंगे,
इंपोर्ट फाइल करेंगे, देन आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर एडजस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पेंट मास्क सिलेक्शन, देन मास्क सिलेक्ट हो रखा है तो इन्वर्ट कर दिया मैंने, फिर सिलेक्ट। अभी यहाँ पर हमें इरेजर टूल पे क्लिक करना है और जिसको सिर्फ हाईलाइट करना है उसको छोड़ के बाकी सबको मिटा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रफली कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जब मैं ये क्लिक करता हूँ और इसको मेक ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो सिर्फ ये वाला हिस्सा मिटा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इन्वर्ट सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बाकी का हिस्सा ग्रीन हो गया है, अभी मुझे और आसानी हो जाएगा, ठीक है। अभी ग्रीन पे सिलेक्ट करेंगे और इसको ध्यान से इरेज करते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ यहाँ तक छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है उसको मैं ग्रीन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको तीन बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो पहले ये वाला रहा, तो यहाँ पर जाएंगे और स्क्रॉल करके मैक ट्रांसपेरेंट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतना ही हिस्से को जो है ट्रांसपेरेंट मतलब बैकग्राउंड को हटा दिया है। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, सबसे पहले ये वाले को मैं सेव कर लूँ, एक्सपोर्ट इस सेव पिक्चर टू एल्बम देन कैप्चर डिफॉल्ट, फिर उसके बाद बैक करेंगे, फिर गेट ए पिक्चर, वही पिक्चर को लेना है। अब की बार दूसरा और एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंट मास्क सिलेक्शन जाएंगे, फिर मास्क इन्वर्ट मास्क देन सिलेक्ट, ये हो गया। अभी क्या करना है दोस्तों, रबर मतलब इरेजर टूल लेना है और अब की बार इसको जो है मिटाना है सामने से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर इसको सेम टेक्निक से मेक ट्रांसपेरेंट देन टिक करना है, देन एक्सपोर्ट पे जाना है, सेव पिक्चर कैप्चर पे, सॉरी पिक्चर प्रो पे सेव कर देना है। और उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सब कटआउट करके रख लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रहा। तो हालांकि ये सब जितने सारे हैं सिर्फ एक को छोड़ के, अब सबको क्या करना है सिलेक्ट करना है। सबसे पहले एक एक करके पहले दिखा देता हूँ आपको, ये सारे के सारे कटआउट्स हैं, और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ड्रैग करके लाना है सबको, सिर्फ इसको छोड़ के। तो उसके बाद ड्रैग करके मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाला जो लेयर मतलब वीडियो लेयर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे मेन वो मुन्ना भाई का जो पहला वाला सीन था उसको लाना है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको भी डिलीट कर रहा हूँ अभी, सॉरी डेस्कटॉप यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो मैं वो डेस्कटॉप पे है, हालांकि इसको क्लोज करता हूँ, हाँ ये वाला रहा। तो इसको मैं ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे ये वाला जो सीन है इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं ये लंबा बहुत बड़ा वीडियो है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे जितना चाहिए उतना ही हिस्सा जो है मैं उसको यूज़ करूँगा, ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो और आपको भी समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए, ये सीन मैंने डाला था, तो इसी सीन का ही मैं आपको बता देना चाहूँगा, ताकि ये बहुत ईजी है। तो मैंने इसको पहले कट कर लिया है यहाँ से, फर्स्ट से। वो कट कैसे करना है, कंट्रोल ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये कट हो जाएगा, कर्सर बार जहाँ पर रहेगा। दूसरा एंड मुझे यहाँ पर चाहिए, तो सेम टेक्निक यूज़ करूँगा मैं, कंट्रोल देन ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंट्रोल देन ब्रैकेट क्लोज, तो ये कटआउट हो गया। तो यहाँ पर सॉरी B+ क्रॉस हो गया,
प्रेस हो गया, तो बी प्रेस नहीं करना है यहाँ पर, एन प्रेस करना है। तो मैंने एन प्रेस किया और इसको क्रसर को फर्स्ट पे लेके यहाँ पर बी प्रेस करूँगा, तो ये आ गया कट टू कट। तो यहाँ पर राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क कर गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसको ट्रैक करना है इस वीडियो को, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था आफ्टर इफेक्ट यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ट्रैक कैमरा मुझे यहाँ पर कर देना है, तो मैं यहाँ पर ट्रैक कैमरा क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टॉप साइड राइट साइड पे, तो यहाँ पर एडवांस पे क्लिक कीजिए और एडवांस यहाँ पर चेक कर दीजिए डिटेल एनालिसिस में। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एनालाइजिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं एनालाइजिंग के। यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इनिशियलाइजिंग हो रहा है और एनालाइज बैकग्राउंड हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो वीडियो को मैंने पॉज कर दिया है अभी। इसमें कितना टाइम लगेगा तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रॉस मार्क आ जाएंगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टिक होके रहे हैं, जो क्रस प्लस आइकन आप जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर जो क्रशर्स सब स्टिक होके एक ही जगह पे चिपके हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर इनमें से किसी तीन को ऐसे सिलेक्ट करना है। मैं आपको चलिए जूम करके दिखा देता हूँ, किसी भी थ्री रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए जो कि फ्लैट हो, तो मैं इनमें से कोई भी चुन सकता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है, मैं जूम आउट कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, देन क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा में क्लिक करना है मुझे, ये रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया है, तो ये पिंक कलर का है डिफ़ॉल्ट, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो कटआउट्स करके रखा था देख सकते हैं ये स्टिक हो चुका है अभी वहाँ पर, तो ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें चलना है प्रोजेक्ट पैनल में, यानी कि जो हमने जो कटआउट्स रखे थे पहले से कट करके, तो वहाँ पर मुझे जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये प्रोजेक्ट पैनल आप देख सकते हैं, ये वाला जो आइकन है मैं इसको ड्रैग करता हूँ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए और इसमें छोड़ देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म फिर फिट टू कम कर देना है, देखिए यहाँ पर ये फिट हो चुका है। तो ये पहला जो है पहला फर्स्ट का था जिसे कि मैं यूज़ करता हूँ बीच में रहने के लिए, तो ये वाला आप समझ रहे होंगे अभी, तो ये पहला वाला था। तो ठीक इसी तरह से आप एक एक करके स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ कैमरे को, लेकिन ये जो है स्टिक होके वहीं पर है, और इसके ऊपर का जो बॉर्डर है वो भी कैसे हटाना है मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर यूज़ करना है दोस्तों आपको, तो मैं दूसरा इसको कंट्रोल जेड करके बैक करके ये दूसरा वाला स्टिक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसको भी ड्रैग कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इस पर छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, ये देखिए आ गया है। इसको राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, देन फिट टू कॉम पे क्लिक करना है, ये देखिए आ गया है वही सीन, लेकिन वो वहाँ पर फिट है। आप उसको अगर सेम उसको ठीक से बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पर टी प्रेस कीजिए यानी कि ओपेसिटी, और घटा दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद जूम कर दीजिए और वहाँ पर सही जगह पे रखिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो स्क्रॉल कीजिए, स्पेस बार के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल फोटोशॉप की तरह। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको सही जगह पे बैठा रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे फिट ऐसे कर देना है और उसके बाद इसको 100% कर देना है ओपेसिटी को। तो यहाँ पर ये जो है आधा कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। तो जब मैं इसको मूव करूँगा देख सकते हैं यहाँ पर उनका फेस जो है नहीं आ रहा है, तो किसी भी कैरेक्टर का ऐसे मूवमेंट शॉट में आप यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड को।
और दूसरे भी टेक्निक हैं लेकिन ये इजी है। उसके बाद सेम टेक्निक यूज़ करना है दूसरे फ़ोटो के लिए, तो यहाँ पर वही वीडियो लेयर को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर 3D कैमरा ट्रैकर को क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कोई भी बहुत सारे डॉट क्रॉस कहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सेम सॉलिड सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये सॉलिड सिलेक्ट कर लिया है, अभी चलेंगे फिर से प्रोजेक्ट पैनल पे और दूसरा हमारा जो फाइल है उसको ड्रैग करना है, सेम टेक्निक से कंट्रोल प्रेस करके इस पर छोड़ देना है। तो ये आ जाने के बाद राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म देन फिट टू कॉम्प। तो ये देखिए यहाँ पर सेट हो गया है। तो इसी टेक्निक से दोस्तों हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कमांड भी है कंट्रोल वगैरह, तो उसके बाद देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। अभी उसके बाद आता है हमारा, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर ऊपर सिर दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है आपको पता है, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा था, मैंने उसमें भी बताया था यहाँ पर कैरेक्टर को रखेंगे तो पीछे का वो सिर का हिस्सा जो है वो मिट जाएगा। तो उसके बाद बारी आता है दोस्तों ये जो बॉर्डर की, यानी कि हमें ये बॉर्डर को हटाना है, तो उसके लिए हमें इन सबको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, फिर प्री कंपोज करना है। यहाँ पर कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पर मुन्ना लिख रहा हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो उसके बाद मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे चेक कीजिए, फिर ओके कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाने के बाद देखिए ये कंपोजिशन में चला गया है, प्री कॉम्प हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये जो बॉर्डर हटाना है, देखिए यहाँ पर हट रहा है, तो वो करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और कंपोजिशन सेटिंग पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर कलर बैकग्राउंड का ब्लैक है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैक कीजिए, फिर ओके कीजिए, फिर उसके बाद रेक्टेंगल टूल यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए या फिर क्यू प्रेस कर सकते हैं आप, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बनाइए। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर ऊपर भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा, तो यहाँ पर वी प्रेस कीजिए या फिर ये वाला सिलेक्ट कीजिए एरो की, तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये लगभग हमारा कुछ हो चुका है, डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर, उसके बाद इसको आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, तो मुझे जितना ठीक लग रहा है कुछ ये, तो ये लगभग आधा काम हो चुका है। उसके बाद काम आता है हमारा कलर की, तो कलर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए कलर मैच नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं, यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए और कलर करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद कर्व सिलेक्ट कीजिए। कर्व के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका RGB चैनल आ जाएगा, यहाँ पर आप RGB चैनल को एडजस्ट करके मनचाहे कलर के साथ इसको मैच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको भी करने के लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन इसमें मैं बहुत ही कम टाइम लेते हुए आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आइडिया मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको टाइम दे के एडजस्ट कीजिए और इस कलर के साथ मैच कीजिए। ये था बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स जिससे आप एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो चुका है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। तो इसी तरह से आप और भी वीडियोस बना सकते हैं, मूवमेंट शॉर्ट में कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए,